फ्रेंड्स देखिए, ये लेंथ मैंने बताया था ना बन जाएगा तो मैं बताऊंगी। अब ये नीचे का बॉर्डर डालेंगे, इसकी जितनी हमें लेंथ चाहिए थी वो बन गई है हमारी। तो जो मैंने ये बताया है आपको मेजरमेंट, ये इतना ही बना है। हेड का सरकमफ्रेंस 13 है, हेड का 14 है, 14 इंच के 14 इंच का ये बना है। और क्राउन इसका 4.5 इंच है और इसकी हाइट जो है 5.5 इसमें दिया हुआ है। हम देखते हैं अभी हम कितना बनाते हैं, हमें जितना चाहिए हम उतना बनाएंगे। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, ये बहुत पतला ऊन लिया था मैंने, ये देखिए बहुत ही पतला ऊन है ये, तो इस कारण से इसके जो हैं ये सर्कल्स ज़्यादा बने हैं। अगर ये आपका मोटा ऊन रहेगा तो ये सर्कल्स कम बनेंगे, 4.5 आप बना लोगे लेकिन सर्कल कम बनेंगे। जैसे इसमें देखिए कम बने हैं, इसमें इसमें कम बने हैं और इसमें ज़्यादा बने हैं पतले ऊन के कारण। तो आप वो देख लीजिएगा ऊन का आपका हिसाब, बस आप मेजरमेंट पे ध्यान देना, ऊन आप कैसे भी ले सकते हो। तो अब ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे एंड कर देंगे करके, और दूसरा जो है वो लगा के हम थ्रेड लगा के वूल लगा के उसको हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया हमारा, इसको अंदर डाल देंगे ऐसे। ऐसे डाल दिया, इसको काट दोगे। अब फ्रेंड इसमें हम ये ब्लू वाले थ्रेड से इसमें बॉर्डर डालेंगे इस तरह से। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसमें पूरे हर एक चेन पे एक एक बनाते जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो इसको। इसमें एक गांठ लगा लेंगे, ऐसे हर एक इसमें ऐसे आप बनाते जाओगे तो एक बॉर्डर जैसा बन जाएगा ये, और बहुत सुंदर भी लगेगा देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा हम बॉर्डर डाल देंगे, जैसे ही इसमें डाला था ऐसे ये पूरा बॉर्डर हम पूरा राउंड बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये बना दिया पूरा। अब यहाँ पर हम इसको उसी तरह से जोड़ लेंगे ऐसे।
इसको पीछे से वैसे ही फिनिश कर लेंगे जैसे किया था पहले वाले में। इस तरह से आप लोगे इसको, इसे अंदर ले लोगे, इसको यहाँ पे गांठ लगा दोगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड से कट कर लोगे। अब ये आपका टोपा तैयार हो गया है, देखिए। अच्छा बड़ा टोपा बना है फ्रेंड्स, बढ़िया सा। थोड़ा सा जो बेबी के लिए मैंने बनाया उसको थोड़ा बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया इसको, ये देखिए। तब इसको फ्रेंड्स आप डेकोरेट कर सकते हो। पिछले बार भी मैंने फ्लावर्स लगाए थे तो उसी तरह मैं आपको अभी इसमें लगा के दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स लगा देंगे इसमें तो इसका शो बढ़ जाएगा। देखिए जैसे ये डाला है मैंने, इसके धागे को पीछे खींच लिया है। अब इसी को आपको यहाँ पे जोड़ना है इसको, तो सुई में लगा के इसको स्टिच कर देंगे। देखिए इसमें धागा पिरो लिया है हमने, इस तरह से आपको ये लगा लिया फ्रेंड्स। अब इसको आप ऐसे गांठ लगा लोगे। इसको बाद में हम क्रोशे से अंदर दबा देंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद मान लीजिए हमें दूसरा फ्लावर लगाना है तो हम पहले सेट कर लेंगे उसको कहाँ किस जगह पे लगाना है। अब मान लीजिए हमको यहाँ लगाना है इसको, इसी के बाद तो इसके थ्रेड इसके अंदर से हम नीचे ले लेंगे। ऐसे उल्टा करोगे आप क्रोशिया डाल के और इसके थ्रेड्स को अंदर तरफ खींच लोगे। अब जैसे हमने इसको अंदर खींच लिया फिर इसमें सुई डाल के हम फिर पूरा इसको बांध देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे हमें लगाना है इस तरह से। वाला फूल हमने फंसा दिया, अब थर्ड वाला जो है वो यहाँ लगा लेते हैं। अब इसके बीच में फ्रेंड्स आप चाहो तो मोती लगा सकते हो तो और सुंदर लगेगा।
अब इसको पहले यहाँ इसके अंदर ले लेते हैं इसी तरह से ऐसे, और फिर उसको भी सुई में डाल के मैं सिल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्लावर्स लगाए मैंने और उसके बीच में ऐसे ही छोटे छोटे वाइट लगा दिए हैं जिससे और खिल रहा है। तो ये इसमें हम रेड लगाएंगे, इसमें मैंने वाइट लगाया, इसमें रेड लगाऊंगी। तो इसको बीच में जो बनाया वो बता देती हूँ आपको। इस तरह से आप एक फंदा ले लोगे और ऐसे तीन चेन ले लोगे और फिर उसका राउंड बना लोगे एक, ऐसे आपने बना लिया। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा राउंड बन गया, इसको इसके बीच में लगा देंगे। तो इसको कैसे करना है, सेम वैसे ही आपको क्रोशिया लेके इसको बीच में रख के ऐसे लेके आपको ये थ्रेड इसके पीछे ले लेना है। इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। उधर पीछे हम उसको बिठा लेते हैं अच्छी तरह, इसको सुई में डाल के आप अच्छे से बिठा लोगे बैक साइड में। ये लगा लिया फ्रेंड्स, देखिए सेंटर का ये पीछे टांका लगा दिया, इसको आप काट लेंगे। अब पिंक धागे से इसको फ्लावर को भी सिल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिंक वाला फ्लावर है उसको हम टांक लेंगे, नहीं तो उसकी पंखुड़ियाँ इधर उधर ऐसे मुड़ जा रही है। हमने ये दोनों को भी टांक लिया है, इस तरह इसको भी कर लेंगे। उसी कलर के थ्रेड से आप करोगे तो वो पता भी नहीं चलेगा। हर एक पेटल्स पे आपको एक बार टांका लगा लेना है तो वो खुला ही रहेगा, बंद नहीं होगा। ये देखिए ये हो गया। अब बस इसको बंद कर देते हैं। इसको भी इसी तरह से इन्हीं तरह से कंप्लीट करके आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये स्लाइट बड़ा है, इससे मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है, इस साइज़ की बेबी को देना है इसलिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये पहले बनाया था मैंने, इसको देख के ये वाला बनाया है। तो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आप बनाने की कोशिश करें और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।